दीदी का फोन आया था यार, मेरे को बुला रहे हैं तो अभी थोड़ा जा रहा हूँ यार, सुबह सुबह के टाइम पे दीदी के पास। धुआं धुआं कर देता है भाई मेरा लिल्ली। कल के दिन में घर पे फंक्शन है तो सुबह के टाइम पे दीदी और जीजा दोनों फोन कर रहे थे भाई मेरे को, कहाँ पे है आज, जो थोड़ा काम है बोल करके भाई मेरे को बोल रहे थे। बट मैंने शुरू में यार दीदी को फोन करा था, क्योंकि पता है अभी मैं दीदी को फ़ोन नहीं करूँगा ना भाई तो मेरे को फ़ोन करेगी, तो करके मैं सुबह उठते साथ भाई आपका कुछ 6 बजे के टाइम पे मैं दीदी को फ़ोन करा था। तो दीदी को फ़ोन करा तो दीदी का बोला कि दीदी देखो यार आऊँगा बट थोड़ा लेट होगा। फिर दीदी बोली हाँ ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तेरे को जितना लेट होगा नो प्रॉब्लम बोल रही थी भाई मेरे को ऐसा। देन उसके कुछ आधा घंटे के बाद में भाई जीजा का फ़ोन आया, तो जीजा बोल रहा था कि भाई कहाँ पे है तू, कब आएगा, कितने बजे आएगा। देन जैसे ही जीजा का फ़ोन आया ना भाई, तो अपने को लेट से जाना है ठीक है, बट जैसे ही जीजा का फ़ोन आया मैं बोला कि भाई मैं चला, अपना काम छोड़ भाई बाद में करूँगा। और बोलते हैं ना भाई जीजा का फ़ोन आया बोले तो भाई फटाफट निकलने का। अरे दीदी वीदी का क्या है भाई, ये सब तो भाई घर ही का चावल है, इनका सुन के क्या करूँ भाई। बोलते हैं ना भाई मेरी पागल दीदी को मेरा जीजा झेल रहा है, तो अब जीजा बुलाए जाना बोले तो भाई बनता है ना। और इसको भी भाई मेरे को ना गैरेज लेके जाना था भाई, थोड़ा कार्बोरेटर का ना भाई थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के जाना था क्योंकि हल्का हल्का ना भाई तेल थोड़ा लीक होता, तो इसको मेरे को गैरेज लेकर के जाना था। बट जीजा का फ़ोन आया तो भाई आज नहीं जाऊँगा भाई, देखता हूँ कल टाइम मिलेगा तो भाई कल जाऊँगा। एंड वो बोलते हैं ना भाई कभी भी कुछ भी काम हुआ ना भाई घर वाले पहले, भाई मेरे में तो भाई यही सिस्टम है भाई, घर वाले का भाई फ़ोन आया बोले तो भाई सबसे पहले घर वाले आते, बाद में भाई सब कुछ। थोड़ा तेल भी डाल लेते हैं भाई, तेल कम है गाड़ी में। फोन है कि क्या है? कैमरा है भाई। क्या करने लगा है? हाँ हम यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर है ना, मेरा मोटर ब्लॉगिंग करते रहता। क्या नाम क्या है? हेमंत आकाश। हेमंत आकाश, हेमंत आकाश। एक तो साला गाड़ी का कार्बोरेटर थे भाई तेल थोड़ा लीक हो रहा है ठीक है, गाड़ी में ना भाई ओवरफ्लो का भाई थोड़ा मसला चलता है। एंड साले अपने यहाँ में भाई इतना बाबा देर रोड है ना भाई, जो हल्का थे भाई छोटा सा प्रॉब्लम होगा ना एंचो दो भी बड़ा हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना भाई आपके हेलमेट में क्या है, तो उनको कहता हूँ ना भाई मेरे हेलमेट में भाई कैमरा है, एंड बताता हूँ ना भाई दैट आई एम ए यूट्यूबर। तो भाई वो लाइक फीलिंग है ना भाई एक अलग लेवल का रहता है। अभी मेरे को ये समझ नहीं आता है कि जब गाड़ी चल रहा है उस वक्त यार तेल लीक होता, या गाड़ी जब खड़ा रहता तो उस वक्त तेल लीक होता, ये चीज़ को लेकर के ना भाई मेरा कंफ्यूजन है। अबे यार जाता तो जाओ ना, नहीं जाता था भाई, छोटा गाड़ी है भाई अपने को दे दो साइड। जाता तो जाओ ना भाई, थोड़ा एक बार यार थोड़ा गाड़ी को चेक कर लिया जाए बैंड का लोड़ा। ओवरफ्लो किया ना भाई तो मैं ज़्यादा उसे घर पे ही रखता हूँ भाई, एक ही बार भाई गैरेज वैरेज लेकर के जाता हूँ, देन उसके बाद में इसका जो काम है भाई एक ही बार वो क्लियर कराता हूँ। A few moments later। और जा लिल्ली, यहाँ में बारिश वारिश कुछ भी नहीं आया जीजा, आरेशन जाएगा ना। प्यास तो है ही नहीं जीजा, प्यास तो है नहीं। हाँ कितना किलो लेगा जीजा? 5 किलो। A few moments later। अब यहाँ से भाई आलू उठाना है भाई अपने को, आलू एंड मिर्ची खीरा। जीजा आलू खास खास नहीं है, इतना बगल में देखते हैं। इस दुकान में भाई आलू उतना कुछ खास नहीं था भाई, अभी तो बाजू वाला मैं पता नहीं कैसा होएगा। आलू का ही भाई आजकल मारा मारी चलता है।
यहाँ पे भी भाई आलू कुछ खास खास नहीं है अभी। कहाँ से लेंगे जीजा? कहाँ से? यहीं से लेंगे। यहाँ पे तो आलू उतना कुछ खास खास तो है नहीं। चलो भाई अंदर आलू है। खीरा फिर जीजा? खीरा बढ़िया बढ़िया दादा जी जहाँ तो दीदी पटर पटर करेगी वहाँ आपका सब इतना बड़ बड़ लेगा इसमें उतना घास खास नहीं है जीजा इधर रख देता। अब देखो इधर से आपको चुनता क्या करेगा? कितना लेंगे? पाँच किलो? बेकार है भैया मैं तो टूट गया। डाल दे देना यहाँ देना पाँच। अरे माँ की तो ज्यादा हो जाएगी क्या जीता हमने भाई? आलू के चक्कर में हाथ का लालू लग गया भाई। यहाँ पे भी अभी मतलब जैसे कि कुछ ऑर्डर मार दे तो कैश ऑन डिलीवरी के टाइम में अगर स्कैनर का होगा तो वो था क्या? यहाँ पे बाहर हाँ ये पूरा 360 होता है। ये मेरा लग गया था 55 55,000 कैमरे का बाइक के साथ हेलमेट के साथ ही नहीं ये अलग है ये अलग लेना पड़ता है ये अलग ऑनलाइन आ जाता है ना। क्या नाम है इसका? इसका इंस्टा 360। यहाँ पे एक चीज़ तो चलो भाई अच्छा हो गया जब सामान मंगाते हैं तो कैश निकालने का जरूरत नहीं है सामने वाला रहेगा तो उसको पूछने से बचते हैं भाई। उसके अंदर में प्याज है। आज माही और मेरा काम है छिनना। माही और मेरा काम नहीं आप दोनों काम है छिनना। क्या छिनना? ये दोनों मेरा काम थोड़ी है। आपका ही तो काम है आप ना वहाँ पे है ना आलू वालू छिलेगी देखो आलू चुन चुन के गंदा हो गया बड़ा भारी तो सामान लेके पहुंच गया ना दीदी। ये सुमड़ी है भाई इतना भी लेकर तो भी बोले कम है। One eternity later. अभी दिन कुछ ऐसा हो गया ना भाई मैं इधर अपना होम टाउन अंडमान आया हूँ ना तो अभी यहीं के टाइम के हिसाब से भाई मैं रह गया। पहले कहाँ भाई मैं 11 बजे पर सोने वाला इंसान आजकल भाई मैं 9 बजे सो जाता हूँ। भाई कुछ भी बोलो यार अपना जो कैमरा है ना भाई इसका नाइट के टाइम का जो क्लियरिटी है ना भाई सॉलिड है यार ना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मेरे कैमरा से कि रात का टाइम में जो क्लियरिटी है ना भाई जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई अच्छा थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा बोल के भाई मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई कैमरा से अपना। बट जो भी है भाई अपना जो कैमरा है ना भाई सॉलिड है भाई सॉलिड। अभी तो भाई मेरा एक ही काम है भाई फटाफट मेरे को घर जाना है। एंड देखो भाई फटाफट बोले तो भाई गाड़ी भगा भी नहीं रहा हूँ भाई क्योंकि भाई बारिश पड़ी है गाड़ी भगाना रिस्की है भाई। कुछ कुछ जगह के ना स्ट्रीट लाइट भी भाई नहीं जल रहे तो अभी जिस जगह पे नहीं जल रहा है ना भाई उस जगह पे ना गड्ढा गुड्डी है भाई तो अभी मैं भगा के जाऊंगा तो गड्ढा गुड्डी आ गया तो भाई फिर एक अलग पंगा है। ऐसी भाई लिली तो यार बीमार होके पड़ी है ठीक है अभी गड्ढा गुड्ढा में लेके चला जाओ तो भाई और बीमार हो जाएगी। भाई अपना अंडमान देखो ना भाई नाइट टाइम में ना भाई एकदम सॉलिड नज़र आता भाई नाइट टाइम पे भाई यहाँ पे सीन ऐसा है ना कोई ट्रैफिक नहीं भाई कोई कुछ नहीं एकदम सुनसान सड़क है भाई। यार यही चीज़ हम अगर सवेरे के टाइम पे देखेंगे ना तो उस टाइम पे भाई इसका उल्टा है